नमस्ते टोलोफी गाइज, मेरा नाम सोनू कुमार मिश्रा एंड आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में बताने वाला हूँ आपको कि 50 की एज में हेयर ट्रांसप्लांट करवाना सही है या नहीं है, एंड साथ ही साथ आपको एक ऐसा रिजल्ट दिखाने वाला हूँ जिन्होंने अपना हेयर ट्रांसप्लांट आज से 15 साल पहले करवाया था, जिनकी एज थी वो थी 50, मतलब 50 साल की उम्र में हेयर ट्रांसप्लांट। पहले चीज़ तो ये आएगी कि मन में कि यार 50 साल में हेयर ट्रांसप्लांट कराने की ज़रूरत क्या पड़ गई, एंड 50 साल या 40 साल 45 साल में जब भी अपना हेयर ट्रांसप्लांट करवाते हैं तो सक्सेसफुल होता है या नहीं होता है, क्योंकि बालों की जो सबसे ज़्यादा ज़रूरत लगती है हमें वो लगती है 20 से लेकर 30 तक, 20 भी नहीं कह सकते, 15-16 से लेकर ही, क्योंकि बचपन जो है और जवानी ये बालों में बीतना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बट आफ्टर 40 वहीं पर जो है ज़्यादा बालों की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती है, बट स्टिल लोग 40 के एज में 50 के एज में अपना हेयर ट्रांसप्लांट करवा रहे हैं। आखिर क्यों, इन सब के और डिटेल में बात करेंगे। उससे पहले चैनल पे आप फर्स्ट टाइम हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि आपका एक सब्सक्रिप्शन मुझे काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट करता है और नए नए वीडियोज बनाने के लिए। बेसिकली इन दिस वीडियो बात करेंगे मिस्टर सुमित की, जिनकी एज है 50 एंड इन्होंने अपना हेयर ट्रांसप्लांट आज से अप्रॉक्स 15 से 17 महीने पहले इन्होंने करवाया हुआ था, एंड इनका रिजल्ट कैसा था, कितने ग्राफ्ट लगे थे, कहाँ से इन्होंने अपना हेयर ट्रांसप्लांट करवाया है, इन सब के ऊपर डिटेल में बात करेंगे। सबसे पहले मैं बात करूँ इनके पहले की कंडीशन की, जो आपको दिख रहा होगा अप्रॉक्स इनके सारे के सारे बाल जो है झड़ चुके हैं। बात करूँ फ्रंटल एरिया की, बात करूँ मिडिल एरिया की, बात करूँ क्राउन एरिया की, एंड इनका जो बाल्डनेस ग्रेड है वो है कम से कम 7, मतलब 6 to 7 के बीच में आप कह सकते हो। एंड सबसे बड़ी बात यह है कि 6 to 7 की बाल्डनेस ग्रेड है, साथ ही साथ इनको सर्वाइकल की प्रॉब्लम है, तो ये भी एक जो है काफ़ी ज़्यादा टास्किंग कह सकते हो सर्जरी रही होगी डॉक्टर के लिए। एंड अब इतने में जो है डोनर एरिया का बचना, लाइक 50 केज में जाके यदि मैं डोनर की बात करूँ तो उसका बचना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। लाइक 50 केज में जाने के बाद डोनर भी हमारे काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हो जाते हैं, वहाँ से 5000 ग्राफ्ट निकाल पाना ये बहुत ज़्यादा टास्किंग रहता है। बट स्टिल मैं बात करूँ इनके क्लिनिक की, तो इन्होंने जो है अपना हेयर ट्रांसप्लांट गाजियाबाद से करवाया हुआ है, एंड वहाँ पर जो डॉक्टर ने प्लान करा था इनके लिए, इनकी हेयर लाइन जो है इस तरीके से बनाई गई। एक देखो हेयर लाइन भी बहुत डिफरेंट तरीके से बनाया जाता है, कर्व में होता है हेयर लाइन, या फिर कह सकते हो वी शेप में होता है, यू शेप में होता है, कई सारे ऐसे मतलब शेप रहती है हेयर लाइन की। सो इनका जो हेयर लाइन बनाया गया था वो बनाया गया यू शेप में, लाइक स्ट्रेट नहीं बनाया गया। यदि आपका हेयर लाइन स्ट्रेट बना दिया जाता है देन डेफिनेटली आपका जो लुक आने वाला है बहुत ज़्यादा नेचुरल आने वाला है। जब आपका हेयर ट्रांसप्लांट का जो रिजल्ट अच्छा आ भी जाता है, डेंसिटी अच्छा जाती है, बट फिर भी जो है लोग आपको ऐसे ही बोलेंगे यार मैंने बालों में कुछ करवाया हुआ एनऑल, सो वो ज़्यादा इंबैरेस होता है, वहाँ से जो है आपको नहीं जाना चाहिए। आपको कहीं पर भी जाते हैं और हेयर ट्रांसप्लांट करवाने के लिए तो आपको या तो वी शेप लो या तो यू शेप लो, वो काफ़ी अच्छा रहता है, किसी भी फेस को सूट कर जाता है। वी शेप लाइक उसके लिए फेस स्ट्रक्चर देखना बहुत जरूरी है, यू शेप के लिए देखना जरूरी है, बट इन दोनों में कोई भी लेते हो तो ज़्यादा आपको इंबैरेस फील नहीं करना पड़ेगा। उसके बाद जो है प्लानिंग की इनके हेयर ट्रांसप्लांट की, अब बहुत से लोगों में डाउट रहता है कि 17 साल में हेयर ट्रांसप्लांट कराना है ना, तो उनकी जो 50 के जिन्होंने अपना हेयर ट्रांसप्लांट करवाया उसके पीछे मैंने उनसे पूछा भी था, सेम क्वेश्चन मेरे मन में उठा था कि आपको इस 50 के एज में आने के बाद ये हेयर ट्रांसप्लांट कराने की क्या जरूरत पड़ गई, तो उन्होंने कहा कि उनकी बेटी ने जो उनको सजेस्ट किया था कि पापा आपको हेयर ट्रांसप्लांट करवा लेना चाहिए। और जब इनका हेयर ट्रांसप्लांट का रिजल्ट आ गया था, जब मैं इनसे 15 साल बाद मैंने मिला, तो उस टाइम पर भी मैंने इनसे सवाल किया था क्या क्या था, क्या आंसर आया था आपको आगे बताऊँगा। अब जो है बात करते हैं इनके हेयर ट्रांसप्लांटेशन की, इनकी हेयर लाइन जो है अच्छे तरीके से सेव किया गया, फ्रंट एरिया में जो है इनकी काफ़ी अच्छी जो है डेंसिटी इनको दिया गया था, मिडिल एरिया में थोड़ा सा मैचिंग सा, एंड क्राउन में भी थोड़ा सा मैचिंग सा, लाइक ओवरऑल जो है इनको 4800 के आसपास जो है ग्राफ्ट लगाए गए थे। अब सर्वाइकल का पेन था, टास्किंग था, क्योंकि सर्वाइकल के पेन में भी जो है अपना हेयर ट्रांसप्लांट करवाना बड़ा बहुत मुश्किल है, क्योंकि गर्दन आप इधर से उधर कर नहीं सकते, करते हुए तो आपको पेन फील होता है, बट स्टिल इनकी जो है प्रॉपर तरीके से जो भी क्रीम ने जो है इनका हेयर ट्रांसप्लांट किया था उस टाइम पर बहुत अच्छे से ध्यान रखा, एंड इनके इम्प्लांटेशन को कंप्लीट किया। कंप्लीट करने के बाद आपको लुक दिख रहा होगा, इनकी सर्जरी जो है 2 दिन में हुई थी, पहले दिन जो है फ्रंटल एरिया को कवर किया गया था और उसके बाद जो है उसके पीछे के एरिया को कवर किया गया था। अब जो इम्प्लांटेशन हुई आपको फोटोज में दिख रहा होगा, वीडियो में दिख रहा होगा, काफ़ी अच्छे तरीके से किया गया था, एंड ये देखकर ही आपको लग रहा होगा कि हाँ डेफिनेट इनका जो रिजल्ट है वो बहुत अच्छा आने वाला है। अब ये सारे प्रोसेस के बाद इनसे मैं मिला ही नहीं, एंड जब मैं 15 साल बाद मिला तो मैंने इनसे रिक्वेस्ट करी कि सर मैं आपकी जो है वीडियो बनाना चाहता हूँ, एंड आप इजाज़त देते हो तो दैन डेफिनेटली मैं इसको शूट करके अपने यूट्यूब चैनल पर डालूंगा। इन्होंने इजाज़त दी, एंड मैंने उनसे जो है सेम क्वेश्चन उस टाइम पर भी किया कि आपके तो बेटी ने जो है आपकी ज़िंदगी बदल दी, लाइक तो वो ऐसा कह रहे थे कि मैंने उनसे पूछा तो कह रहे कि बेटी ने तो मजाक में कह दिया था, जब उन्होंने अपना हेयर ट्रांसप्लांट करवा लिया अपने डॉक्टर से मिले ये, तब वो कह रहे थे कि लाइक पापा मैं तो मजाक कर रही थी, आपने तो उसको सीरियसली ले लिया, बट स्टिल उस मजाक की वजह से आपका लुक देखो काफ़ी ज़्यादा चेंज हो चुका है। लाइक इस कह सकते हो ओल्ड एज में भी जो है यंग दिखना बिना बालों के आपका लुक बहुत अलग होता है, आपको लोग अलग तरीके से जज करते हैं, बट बाल आने के बाद भी लोग जज करते हैं, बट उसका जजमेंट जो है वो बहुत डिफरेंट होता है बाल्डनेस के मुकाबले। अब इनके सारे के सारे स्कैल्प कवर हो चुके हैं, इतना नेचुरल हेयर ट्रांसप्लांट का रिजल्ट आया है,
ओवरऑल कह सकते हो मज़ा आ गया रिजल्ट देखने में। आपको कैसा लगा आप कॉमेंट करके बता सकते हो, बट नेचुरलनेस, डेंसिटी एंड जो भी कह सकते हो ट्रांसप्लांट रिक्वायरमेंट रहती है वो सर्वाइकल के पेन में जो है, सर्वाइकल के पेन को सहते उन्होंने अपना हेयर ट्रांसप्लांट करवाया, उसका फल इनको जो है बहुत ही मीठा मिला है। जब बात करूँ उनके कॉस्टिंग की तो इनको जो है अप्रोक्स 18 रुपीज़ पर ग्राफ्ट में इनका हेयर ट्रांसप्लांट डन हुआ था। तो ओवरऑल जो है कह सकते हो इनका 60-70 के आसपास इनका जो है कॉस्टिंग आया था, बट मेडिसिन एंड ऑल ओवरऑल कॉस्ट की बात करूँ, टोटल कॉस्ट की बात करूँ मैं तो अप्रोक्स 90 के आसपास जो है इनका कॉस्ट बैठा, मतलब अंडर 1 लाख इनका पूरा फुल प्रोसेस में जो है हेयर ट्रांसप्लांट फुल कंप्लीट हो चुका है एक अच्छे रिजल्ट के साथ। आई होप सो कि आपको वीडियो पसंद है, वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करके जाना। मिलते हैं फिर आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखो, स्वस्थ रहो, सुरक्षित रहो। जय हिंद, वंदे मातरम।